तो कैसे हो आप साहब? आज है मेरा सेकंड व्लॉग। पिछली बार हम ना शास्तार नहीं जा पाए, इस बार हम शास्तार जाने वाले हैं। पिछली बार इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि इंजन से अजीब सी साउंड निकल गई थी, आपको पता है। अभी जो है निकल रहे हैं, पहले लेके जाएंगे इसको स्टेशन पे, तो पहले जाके करवाएंगे इसको क्लीन, वॉश करवा के, क्योंकि इस पर ना धूल बहुत पड़ी हुई है। तो जाके करवाएंगे पहले इसको क्लीन, क्योंकि चीज़ जो है वो साफ़ होनी चाहिए। जब तक चीज़ साफ़ ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता, आपको पता है। पहुंच चुके हैं हम अभी मुस्तफ़ा भाई के पास, इससे करवा रहे हैं वॉश। तो भाई को बोल दिया मैंने कि भाई इसको ना अच्छे से साफ़ करना, तो करवा रहे हैं इससे वॉश। तो वॉश ना हमने करवा लिया, अब हम इधर से निकल रहे हैं। तो हाल तो मैंने आपका पूछा नहीं है, चलो आप पूछ लेता हूँ कि कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, एकदम मस्त होंगे। रोड देख सकते हो, ऊपर साइड पर जंगल देख सकते हो आप। तो इधर से जड़ा वाली ना रह गया है 2-3 किलोमीटर दूर रह गया। मुस्तफ़ा भाई जो है ना वो बोल रहा था मुझे व्लॉग में नहीं लाना, मैं वॉश नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार नहीं लाऊंगा तुझे व्लॉग में, अगर तूने बोल दिया व्लॉग में नहीं लाना तो मैं किस लिए लाऊंगा व्लॉग में तुझे यार। तो अभी ना जड़ा वाली क्रॉस किया है मैंने, तो उधर जो है कैमरा अलो नहीं है, उधर आर्मी में ना फोन शोन अलो नहीं है, इसलिए मैंने उधर ना शूट नहीं किया। तो वैसे अगर मैं शूट करूँगा भी वो मैं डालूंगा नहीं है ज़्यादा इतना लंबा करके, क्योंकि व्लॉग जो है वो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं 5 से 6 मिनट का व्लॉग सारा डालूँगा बस। पिछली बार जो हमने शूट किया था इधर ही तक हम आए थे, देख सकते हो ये पहाड़ था वो, तो इस पे हम इस पहाड़ पे हमने ना रीले बनाई थी। तो इस भाई हमारे ने डाली थी थोड़ी रीले, तो हमने इधर भी थोड़ी रीले शूट की थी। तो हमने आज ना हम टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हमने जाना है बहुत दूर है गाइस, ये देख सकते हो ये इतना बहुत दूर है, मतलब इस जगह पे ना बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो अभी हम बनाते हैं, लेकिन टाइम जो है वो कम है, अभी हम निकलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि रोज़े आपको पता है रमजान चल रहा है। पिछली बार ना हम इधर आगे से वापस चले गए थे, पिछली बार हम जा नहीं पाए। इस बार मैं जाने वाला था पीर की गली, लेकिन भाई बोल रहा था नहीं भाई अभी चलते हैं, पहले जो तूने ये व्लॉग किया है इसको पहले कंप्लीट कर ले, तो इस बार हम शास्तार ही जाएंगे। मैंने कहा चल भाई चलते हैं इधर ही शास्तार ही चलते हैं। बोल रहा था अगली बार जो है वो उधर जाएंगे हम, पीर की गली जाएंगे, इस बार शास्तार ही चलते हैं। मैंने कहा चल ठीक है भाई। शास्तार की जो पत्थर की मस्जिद है गाइस रह गई है इधर से 2-3 किलोमीटर दूर, और आप देखना सिर्फ मतलब चीज़ क्या बनाई है, आप ये सिर्फ देखना कि खुदा ने मतलब क्या बनाया गया है, आप देख के हैरान हो जाओगे, मतलब ऐसी चीज़ है। ऊपर पूरा पहाड़ है, पहाड़ की मस्जिद है गाइस। आज का ये जो सफ़र था हमारा हो गया ख़त्म, तो आप पहुंचने वाले हैं अपनी जगह पे। तो इधर तो मैं अब आपको बताऊंगा पहाड़ की मस्जिद, ये देख सकते हो आप, मैं पूरा व्यू दिखाऊंगा आपको। देख सकते हो गाइस अभी हम पहाड़ की मस्जिद के एकदम बिल्कुल सामने खड़े हुए। जगह तो आपने बहुत देखी होंगी, मगर अगर ऐसी जगह देखी हो तो ज़रूर बताना गाइस। ये देख लो एकदम पूरा, ये जो पूरा पहाड़ है आपके सामने पूरा एकदम फुल, ये पूरा पहाड़ है और इसके अंदर एकदम मस्जिद है। मैं आपको आप अंदर जाके बताऊंगा कि अंदर से कैसी दिखती है, पूरी देख सकती हो, पूरा एकदम फुल पहाड़ है गाइस। गाइस शूज़ तो मैंने उतार लिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ सीधा अंदर, आपको बताऊँगा कैसी जगह है ये। ये देख सकते हो गाइस, ये चेक करो गाइस, ऊपर फुल पहाड़ है, पूरा पहाड़ है गाइस, देख सकते हो आप। अंदर से ये कुछ ये ऐसा दिख रहा है, तो ये हमारे भाई दुआ मांग रहे हैं, तो हम भी मांग रहे हैं इनके साथ दुआ। तो पहले हम दुआ मांग लें फिर इसके बाद देखते हैं।
चलते हैं। देख लो गाइस, पिछली बार हम यहाँ इसी जगह की बोल रहा हूँ कि ये जगह ना बहुत ही मतलब मस्त वाली जगह है। इसी जगह की बोल रहा बता रहा था आपको, हम यहाँ पे आने वाले थे मगर बाइक का ना इंजन थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। वो भी पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, ऊपर जो है हम जिसके नीचे बैठे हुए हैं ये भी पहाड़ है गाइस। इसके नीचे ना बंदा पूरा खड़ा नहीं हो सकता मगर ऐसे बैठ जरूर सकता है, थोड़ा सा इधर मतलब कम जगह है। ये जो है ये पहाड़ को कलर किया हुआ है इन्होंने। तो आप जा रहे हैं इधर से बाहर, देख सकते हो गाइस हमारे भाई आए हुए हैं यहाँ पे। तो हम ऊपर से आ गए हैं वापस। तो मैं अपना जो व्लॉग था इधर ही एंड करने वाला था, लेकिन भाई बोल रहा है कि नहीं इधर नहीं एंड करना, थोड़ा आगे जाएंगे। तो आगे कोई लोकेशन बता रहा है, ये बोल रहा है कि मतलब बहुत ही अच्छी लोकेशन है वहाँ पे, तो उधर थोड़ी सी ये रील्स बनाएगा अपनी। ये बोल रहा था कि ये लोकेशन बहुत ही अच्छी है, इस लोकेशन में मुझे ये लेके आया है, देख सकते हो आप। मैंने सोचा पता नहीं कैसी लोकेशन होगी, वाकया ये गाइस क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत ही मतलब मस्त वाली लोकेशन पे लेके आया है ये लड़का, बोल रहा था इस लोकेशन पे चलेंगे। ये जो जगह है मुझे लगता है कि ये टॉप पे ना यही है, क्योंकि इधर से मेंढर भी बहुत नीचे है, सुरकोट भी बहुत नीचे है और पुंछ भी बहुत नीचे है। मुझे लगता है ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जगह है ये सबसे टॉप पे यही है। मेरा ये जो व्लॉग था मैं इधर ही करने लगा हूँ एंड। तो ये मेरा जो व्लॉग था आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ना भी लगा तो भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।